भाई यहाँ का मत करियो भाई, उसकी एक आरसी भाई डर रहे भाई। इसमें आपको बता दूं, अभी हम जस्ट बैठे गंगा किनारे के बिल्कुल दिल्ली से यहाँ पे आ रखी गाड़ी रे। इतना डरावना सीन है कि यहाँ से चीयर फिर खाना भी लगाएंगे और अपने ये भाई है जिनके होटल में हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं। बाकी भैया का नाम बता दो। भैया का नाम सोनू है। बाकी भैया भाई का नीचे बहुत बढ़िया है, कभी भी आना। अभी हम पूरी डिटेल बता देंगे भाई की, एकदम जो अनिल गेस्ट हाउस, अनिल गेस्ट हाउस भैया का ये होटल का नाम है नियर OIMT कॉलेज रामजुला। और बाहर ये जो भी है कॉलेज वगैरह देखो OIMT लिखा नीचे। बाकी हमारे रूम का जो भी व्यू दिखा देखिए क्या मैंने देख लिया यार, आईफोन का पैक मारो। बाकी यार हम लोग आपको पूरी डिटेल दे देंगे और रूम का क्या क्या व्यू है, क्या क्या हमारा जो प्राइस वगैरह सब कुछ दिखा देंगे। जिस तरह के बढ़ रहे हैं बना के कितने बढ़ रहे हैं वो। चलो गाइस मिलते थोड़ी देर बाद खाना मैंने खा के। भाई इतनी मेहनत से बात है, एक ये मैगी है और इस मैगी के मैं ना 50 रुपए दे रहा हूँ। पता ये मैगी दे सकता है इसके तू इतने वो बात में वो लाइफ में ब्लॉग में नहीं बोल सकता बंदा, मैं भाई बस जल जल खा रहे हैं तुमको पता नहीं है। अबे भाई क्या है पबजी देख रहा है यार, खेलने में विश्वास नहीं। दाल चावल खा रहे हैं गाइस, हम लग रहा है। चलो खाते खा के बात करता हूँ आपसे मैं। तो चलो गाइस हम लोग उठ चुके हैं, बहुत देर डेढ़ दो घंटा सोने के बाद हम लोग उठ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं क्या कहते हैं नहाने के लिए। भाई एक तो बंदे को इतना कहते हैं वो था, देखो हमको लड़के देख के हंस रही है, पता नहीं क्यों हंस रही लड़के पीछे होंगी। बाकी कोई बात नहीं है, हम लोग अभी नहाने जा रहे हैं। फटाफट नहा धो के ना हम लोग तैयार व्यार होंगे, क्योंकि हम लोग तैयार व्यार होकर निकलना है। ये भाई यहाँ पे भी गंद बना दिखाई, मुझे तो पक्का बता रहा हूँ क्या करूँ, गलत आगे ना मैं यहाँ पे। ये पता नहीं OIMT कॉलेज है ना क्या है, कुछ तो है पता नहीं मुझे इतना बस। ओ भैया पिछड़ जाऊँगा भैया, चलो भाई बहुत ठंडा पानी है। फाइनली अब हम लोग नहाने आ चुके थे भाई, ये 10 साल बाद आया है। मैं 2022 में आया था अपनी मम्मी के साथ। और भाई तू कब आया यहाँ पे? मैं पिछले साल आया था। पिछले साल? अरे भाई तू तो बढ़िया साम ही है भाई, घूमता आता। और बाकी पीछे धूप पड़ रही है, अब अच्छी आ रही होगी भाई। यहाँ पे पत्थर बहुत फिसल रहा है सच में यार, पानी ज्यादा नहीं है भारत भाई के लोग। और भाई ये भाई बच्चों इधर ऐसे पानी पी रहा है, कुल्ला कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। गंद मत करिए यहां पे भाई, यहां गंद मत करियो भाई। इसकी एक गंदी बात बता सकता हूं, बता नहीं है बता। अच्छा यहां पे बात करिए यार, चिढ़ जाएगा ना भाई। इसने बहुत गंदा काम करा है होटल के अंदर, वो तो मैंने साफ कर दिया ठीक है। तो भाई छिया मैं मूड खराब हो गया बंदे को देख के। बाकी कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत एंजॉय करते नहाते धोते हैं। जिम करने के बाद गाइस बॉडी बनी थी लेकिन फिर से खट। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ पे ना पत्थर चुभ नहीं रहे, वहाँ पे पत्थर चुभ रहे थे हमारे को। और क्या व्यू आ रहा है भाई, मजाक से हटके बट टिटा नहीं है भाई, क्या सभी हो रहा है
पूरी बॉडी सुन हो चुकी है, इतना चिल्ड पानी ना भाई। हम सोच रहे अगर हम राफ्टिंग करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। हर्षिल भाई की तमाले आ चुके हैं। हर्षिल भाई को पता नहीं, वो हमारा ट्राइपॉड पता नहीं क्यों पसंद आ गया ऐसे। बच्चा ट्राइपॉड गिरा, बच्चा ट्राइपॉड। बाकी सच में यार काफी मजा आया हमको, तो चलते हैं अपना फटाफट से अपने रूम पे। अभी कुछ खाते भी थे यहाँ पे, कुछ भी नहीं खाया अभी हम लोग ने, तैयार होंगे। उसके बाद हम आपको राम झूला, जानकी सेतु, लक्ष्मण झूला जितने सारे झूले सब दिखाएंगे। ठंड लग रही है मुझे बहुत। तो चलो गाइस हम लोग हो चुके हैं फुल रेडी, और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम से, चेकआउट नहीं हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमको अब जाना है राम झूला लक्ष्मण झूला घूमने, और आपको भी घुमाएंगे, हम लोग भी घूमेंगे फटाफट से। और हमारी एक 6 बजे पहले हमको वहाँ पहुँचना है, क्या कहते हैं जहाँ पे वो बच गया, एक जगह है मेरा नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे आरती होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आरती, वो सबसे मेन आरती है। अभी हर्षी भाई थोड़ा जुगाड़ लगाता हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश की मेन मार्केट तरफ, हम लोग जा रहे राम झूला, लक्ष्मण झूला यार आज भी कंस्ट्रक्शन वक्त में है इसलिए वो जा नहीं पाएंगे। हम लोग आगे चलते हैं राम झूला की तरफ। यहाँ पे हो रही है तैयारी आरती की, क्योंकि आरती का समय होने वाला कुछ देर बाद। सामने है अपना राम झूला, राम झूला भी हम वहाँ जाएंगे। हम सोच रहे हैं यहाँ की आरती अटेंड करें या फिर एक वहाँ की, वहाँ पर आरती है जहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति है, और लोग बहुत लोगों ने कहा था वहाँ पे आरती ज़्यादा सुंदर होती, काफ़ी प्यारी आरती होती, कि वो वाली आरती करना। तो हम सोच रहे हैं पहले उसके बाद चलते हैं। भाई तेरा क्या मानना है, कौन सी आरती वो वाली है वाली? चले हर्षिल, चले भाई। आ चुके हैं राम झूला के ऊपर, हम राम झूला के मतलब ब्रिज पे आने वाले हैं। चले भाई, एक्साइटेड हो? हाँ जी ब्रो, एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। चलो फिर। अरे ये क्या हो रहा है, हर्षिल ऐसे डुबाया जा रहा है, देख ले कहीं ऐसा हाल हो रहा हो हमारा। तो गाइस ये है राम झूला, और ये बनाया गया था कब, 1986 में इसको बनाया गया था नदी को पार करने के लिए, और ये लोहे का है। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा था गूगल पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। बाकी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हिल रहा है यार ये, और डर लग रहा है भाई। अरे अच्छा उसका भैम भैम आ रहा है भाई, मेरे दिल में भैम सा आ रहा है। बाकी गाइस देखो आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत आपको ऐसे भी दिखाता हूँ कैसा कैसा क्या है। ये हिल बहुत रहा है पर यार डर लग रहा है, इसलिए काफी प्यारा यार। हम लोगों ने अब तो राम झूला भी घूम लिया, अब हम जा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे, और ना ये काफी ज्यादा कुछ खाने बिना हमने कुछ ज्यादा खाया भी नहीं, वो खाना भी खाते हैं और वहाँ पे टाइम भी होने वाला है, वो वहाँ पे भीड़ हो जाएगी, इससे अच्छा हमारी हमारी आरती रह जाएगी। ट्रेडिंग चल रही है, 700 रुपए कर लिए तुम्हारे भाई ने। हम लोग बाहर कर के आ चुके हैं दूसरी साइड, गंगा मतलब ऋषिकेश की दूसरी साइड आ चुके हैं। यहाँ पे मतलब थोड़ा ना मंदिर और धर्मशाला टाइप्स की ज्यादा जगह ज्यादा ज्यादा है यहाँ पे छोले कुलचे खाने के लिए। भाई क्या 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 सोचिए, हम लोग यहाँ पे आए थे, अब आए थे ये पता नहीं बकवास बातें कर रहे हैं भाई, जो भाई पता नहीं कैसे जोक्स मार रहे हैं, नहीं बुलाते भाई। 50 रुपए के वो खा लेंगे, 8 पीस। अब तो 8 पीस में अटका हुआ अभी तक, महंगे मोमोज में दिल्ली में 50 रुपए के पता नहीं 50 मोमोज खिलवा दूं। वो बड़ा, वो भी बड़ा चटपटा आ चुका एकदम। हर्षिल भाई, आप हर्षिल भाई बहुत गंद इंसान है भाई, तुम कभी इसके रह के देखना, मैं रह के देख चुकी हूँ 2 दिन की स्टे, इतने नीच आदमी है बंदा ये भाई, मैं अपनी पूरी रात बिता नहीं सकता इसके साथ। अरे पकड़ 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 गर्म हो रहा बहुत। यहाँ पे हम लोगों ने मोमोज लिया भाई, मोमोज इतने महंगे हैं यहाँ पे, 50 के कितने 8 पीस, 50 के 50 पीस खिलवा दूँ दिल्ली में आओ कभी, ये तो ज्यादा हो गया, थोड़ी 25 पीस। तो एक काम कर, तू दिल्ली जाए कहीं, जा घर निकलते अपना फटाफट से, घर निकल दिल्ली में ही दुकान है। हम लोग अब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? घाट में आ रहे हैं, घाट, हम लोग घाट जा रहे हैं गंगा आरती लेने के लिए। और अभी हम लोग देखो उस पार से इस पार रखे है, यहाँ पे फुल सनसेट हो रहा है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले खाने नहीं है भाई, सच बात है। और दिल्ली में जो प्राइस मिल जाएगा वो कहीं है ना भाई, वो दिल्ली है भाई, ये पहाड़ों पे भी तुम्हें पता है कि वहाँ पे एक्सपेंसिव क्यों आ रहा है, सबको पता है इस चीज़ का। अभी कोई बात नहीं यार, जो होता ठीक है, अपन चलते हैं मजे करते हैं। आए तो इस घाट की तरफ आए, उस घाट की तरफ देखो हनुमान जी की कितनी बड़ी मूर्ति है, काफी सही मूर्ति लग रही है भाई,
बढ़िया है ना यहाँ पे एकदम। बाकी यहाँ से हम लोग आरती देखेंगे। हाँ पर यहाँ पे लोगों ने पहला कि तो आ जाना भी यहाँ से आ जा। बाकी गाइस सनसेट होने वाला कुछ देर बाद, बस थोड़ी देर बाद सनसेट होने वाला है। और बाकी यहाँ हो रही है आरती, मतलब आरती यहाँ शुरू होने वाली है अभी। वहाँ पे थाल पूरी रखी हुई है तैयार, है ना भाई? कैसा भाई एक्सपीरियंस है पहले दिन का हमारे ऋषिकेश का, बता दे। मजा आ रहा है, सब भर्ती है ना? कैसे फील हो रहा भाई? बढ़िया बढ़िया। बाकी हनुमान जी की मूर्ति बहुत प्यारी है, आरती शुरू हो गई गाइस। आरती पूरी समाप्त हो चुकी है, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि पहले इधर ड्रोन सर के ऊपर उड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ हम लोग पहले निकल जाते हैं ना, यही सारे के सारे लोग एक साथ निकलेंगे तो हम लोग दब जाएंगे, मतलब भीड़ में पहले निकल जाते हैं ना भाई। चलो चलते हैं, हर्षित भाई वहाँ बैठा है, जूते पहनते हैं और फटाफट चलते हैं। बहुत खूबसूरत आरती थी, अच्छी लगी वो। शायद से वहाँ त्रिवेणी घाट पर हो रही है, एक आरती वहाँ हो रही है, हम कल वो वाली ले लेंगे आरती। और ये जो थी उसको इस आरती का नाम था शायद से सिद्धार्थ आरती था आरती का नाम। चलो गाइस बाय बाय। यहाँ पे हुई थी आरती और अब हम लोग जा रहे हैं जगह से, क्योंकि यहाँ पे अब ज़्यादा मतलब आरती भी खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे कहते हैं हमारा जहाँ पे रूम है ना वो अंधेरा वाला टाइप है ना, थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे बैठ जाएंगे गंगा किनारे आराम से, है ना भाई? चले फटाफट चलते, कुछ खा पीले भी लेंगे अब। इसमें आपको बता दूँ अभी हम जस्ट बैठे गंगा किनारे के बिल्कुल एकदम तट पे बैठे हम लोग। हमने पैर पैर डुबा रखे अपने, मतलब एक पैर तो मेरे ऊपर था डुबाया। हाँ भाई इसके पैर डूबे पड़े भाई इसके तो। और अभी हम लोग की बात तक क्या चल रही है अभी हम लोग ना भाई, ये इतना नेगेटिव सोच रहे, इतना नेगेटिव सोच रहे ना कि मेरा मन चाह रहा था पहले कि मेरा मन चाह रहा था कि मैं राफ्टिंग करूँ, पर मेरा अपना अंदर लुप लुप सी हो रही है भाई। मेरा पूरा खानदान डरा हुआ है गाइस, मेरा खानदान डरा हुआ है भाई। भाई राफ्टिंग का बड़ा मन था मेरा, अब ना बहुत डर लग रहा है मेरे को, मैं इतना डरा बैठा मैं सहमा बैठा। अब मेरे को बुखार चढ़ जाएगा रात रात भाई। और दूसरी गाइस आपको बता दूं हमारा जहाँ रूम है ना वो देख रहे एकदम टॉप पे, टॉप पे वहाँ पे हमारा रूम है। सोच लो अब सीन ये है कि वहाँ पे पैदल कैसे जाए। और वहाँ पे एक दिन स्ट्रीट लाइट कौन की चाबी इसके पास है रूम की, इसके पास स्ट्रीट लाइट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या होगा भाई हमारे साथ, तो बहुत बुरा हुआ जो अच्छा क्या बोलते हैं वो जो ये बता रहे ना वो डराने की रील दिखा रहा है वो मानसून की है, कुछ नहीं हुआ। गाइस देखो मेरे भाई को रील दिखाई कि ऐसे ऐसा राफ्टिंग का सीन है, हर कोई गिर जाता है। ओ भाई तो आते गिरता भाई, जब तक उसको पैसे दे रहे हो तो वो तो ये तो जान के रहा है भाई, वो पैसे गिराने के लेते हैं, वो गिराता है वो पैसे। अगर गिर गया बंदा सोचो भाई भाई बस भाई बस भाई नो भाई नो प्लीज यार प्लीज नहीं, मैं तुमको पहले ही कह रहा हूं भाई। ये बंदा वीडियो दिखा रहा है ऋषिकेश भाई, हर्षिल देख दुनिया में लोलू से पोलू बंदा भी ना। मैं कह रहा हूँ अगर सौरव जोशी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर तो हमारा पार्ट है वैसे भी सदर का बादशाह होता है, वो सारी सेफ्टी लेके चलते हैं बीच में। मैं कट मार दूंगा गाइस, आपको कुछ गलत नहीं दिखाना चाहता मैं, पिछले बार भी कुछ गलत आगे का वो गलती मेरी एडिटिंग में ध्यान नहीं दिया मैंने। बाकी अपनी आइटरी में वाटरफॉल बड़ा पसंद है, वाटरफॉल में तो खूब मजे करेंगे भाई। बस यार मैं फोन पे मत कहियो कि बाहर आ जाओ, यहां पे ना कई बार पानी अप डाउन हो रहा है, 2 घंटे नहाएंगे। हां भाई ठंड वंड का चक्कर नहीं है, वहां नहाना है, पहले साइड आइस बात करेंगे मसल रिकवर। भाई हर्षित भाई इतना केयरलेस है, इतना केयरलेस, उसको एक काम समाया था, क्या समाया था भाई? भाई उसको बैग संभालने के लिए था, उसने बैग वहीं पर छोड़ दिया, उसमें कैश रखा है हमारा, उसमें कैश रखा है, फोन रखे हुए, फोन रखे हुए वो छोड़ के आ गया वहां पे भाई। वो सही है, अपना फोन जेब में रखता हूं। चलो भाई ये काम करेंगे हम लोग, ये काम करेंगे भाई क्या? चलो आ जाओ, जो भी काम था वो बता दिया लोगों को मैंने। तो आए कौन सा कैफे, नाम है नाम क्या है? क्या टिप टॉप, टिप टॉप कैफे आ गया। ये जो लक्ष्मण जुला वहाँ से पार करने के बाद भूख लग रही है, आज का डिनर हम यहाँ करेंगे भाई, फुल खा पी के आराम से
थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा खाना लेके चलेंगे अपने होटल पे, क्योंकि हमारे होटल के आसपास कोई भी सेट करेंगे क्योंकि हमारे खाने का हमारे होटल के आसपास कोई भी खाने का रेस्टोरेंट कोई भी नहीं हमारे होटल के पास, इसलिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेके भी चलेंगे क्योंकि भाई रात को क्या पता ऐसे भूखे मर जाए तो उनको कुछ ना कुछ कहीं सुबह सुबह राफ्टिंग वाफ्टिंग नहीं कर पाए भाई, इसलिए दिक्कत दिक्कत हो जाएगी भाई। लो यार पानी पियो, पानी पियो, तो बाकी भाई पार्ट भाई बताओ, आज हमारा ऋषिकेश का पहला दिन था, पहला दिन का कैसे भाई? भाई दिन बढ़िया था, बाकी भाई ने मेरे को बोला नहीं खिलाया तो भाई बोलो तेरे को तेरे कुछ और दिल्ली के ऊपर चल, अबे दिल्ली से बोलो उसने आ रहा हमारे आ रहा ये काट देने सोच रहा है, चल कोई बात नहीं। वैसे हमारा तो फुल खाना पीना हो गया, पेट भर गया अच्छे से है भाई। हम लोग जाने वाले हैं अपने होटल पे, क्योंकि हमारा होटल है वहाँ पे एकदम ऊंचाई पे, पता नहीं कहाँ, और स्ट्रीट लाइट भाई वहाँ पे चलती नहीं है, देखते हैं भाई जो भी होगा अभी आपको दिखाएंगे। ये तो भाई भाई ये पार्ट भाई इतनी उल्टी बातें कर रहा है, इतनी उल्टी बातें कर रहा है, कभी लैपटॉप आ जाएगा, कभी लैपटॉप आ जाएगा, कभी डूब जाएंगे, कभी मगरमच्छ आ जाएगा, कभी सांप काट लेगा, पीछे हमारा रूम है, कभी कुछ हो जाएगा, पीछे हमारा बहुत बड़ा रूम, पीछे रूम है वहाँ पे भाई स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं, अंधेरा होता है, बोला भाई लैपटॉप आ जाएगा भाई, इस बंदे ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला भाई हमारा अच्छा होगा ये नहीं बोला, इसी ये बोल देता कि 5 लाख रुपए मिलेंगे, सोना मिलेगा, ये बोला कि बस देखो भाई, ये बोला कि पैसे खो जाएंगे, हर एक सिचुएशन में उसने हर्षिल की गंदी कर दी है, हर एक सिचुएशन में हर्षिल भाई हर्षिल गंदी करवा रहा है अपनी भाई का। अच्छा भाई चलो भाई कोई बात नहीं, पनीर लपेट रहे हो कम से कम इतना उल्टा बोल के, शर्म तो कर लो, अभी भी पनीर लपेट रहा, पनीर थोड़ी है ग्रेवी है बेटे। घर पहुंचते हैं रामगढ़ तो नींद आ रही है, वो सोंगा बहुत थक गया, शेर पता कौन था, शेर है। चलो गाइस आप लोग निकल चुके हैं अब अपने होटल के लिए, ये था टिप टॉप स्काई व्यू, नो टिप टॉप कैफे था भाई, काफी अच्छा कैफे था, पर ये बहुत से झूले पे राम झूला पे, अब यहाँ पे सीन हो रखा है, अंधेरा हो रखा है, बिल्कुल भी लाइट वाइट नहीं है नीचे भाई, गंगा मैया है भाई, डर लग रहा है यहाँ पे वापस से, ऊपर हो रखा है पहाड़ का व्यू है, और चलो चलते हैं, अबे तेरा खुद बना पड़ा है, अबे ऐसे लग रहा है, अबे इसमें ऐसे चल रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे का, गाइस जो आधा लाइट जल रही है, आधी लाइट जल रही है क्योंकि आधी लाइट की बिल्ली भरी इन लोगों ने, ये राम जी का है वो लक्ष्मण जी का, उन्होंने बिल्ली भरा, राम जी ने बिल भर दिया था तो लक्ष्मण जी ने नहीं भरा शायद से, दिवाली शुरू हो गई यहाँ पे आते ही, पर यहाँ पे बचा मजा बहुत आ रहा भाई, है कि नहीं फोटो तीन दिन ढूंढना भाई, बात तो इसने पता नहीं ऐसी क्या हरकत करी, पता पार्ट ने झूठते बोला भाई एक धक्के में तू जिंदगी भर के लिए धुल जाएगा, वो भाई लाइन इतनी मस्त लगी थी, डीप थी, उसमें हंसी आई थी, अब तो हंसी भी नहीं आ रही, अब तो आपको बता दिया भाई नीचे से आ गया। तो गाइस मैं आपको बता दूं जहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया वो उतना डरावनी जगह समझ लो कि बिल्कुल जंगल और एरिया छाड़ता, देखो अंधेरा हो रहा है, बाकी हम लोग हम जा रहे हैं फटाफट से, देख रहे हो अर्षी भाई डर रहे हैं भाई, देखो बहुत अंधेरा पीछे गाइस, सफेद सफेद सा दिखाई, चलो चलते डरा रहा है यार, हाँ तो भाई डराओ मत ना कम से कम, जय श्री राम जय श्री राम। जो हमारा रूम है ना काफी हॉरर रूम है, देख रहे हो चारों तरफ अंधेरा, जंगल जंगल से भरा हुआ है, डर लग रहा है मेरे को तो, वैसे ही बहुत ज्यादा हनुमान चालीसा चला है सुनूंगा तो आज, तो यहाँ पे मैं बाहर एक सुन बाहर से गाने कह रहा हूं, ऐसी आवाज हो रही है और ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है, ये सब हमने बंद कर दिए भाई, ये बंद कर दिए, देखो बंद कर दिए, देखो बाहर हो गया, अब भाई जा निकाल जा, अब मजाक अपने तरफ निकाल जा उसको भाई, मैं तो जाऊंगा, अबे जा देखो देख अबे जाना भाई, इतना डरावना सीन है कि यहाँ से चीयर, अरे तू पागल है क्या यार, देख अब हम लोग आ चुके थे घर भाई, अभी टाइम क्या हो रहा है दिखा दे, टाइम बता दे भाई, टाइम देख लो, अभी टाइम हो रहा है 11:16, अबे 11:46 हो रहे हैं रात के, और मैं एडिटिंग कर रहा था व्लॉग, तो मैंने देखा अभी हमने व्लॉग एंड करा ही नहीं है, तो मैं व्लॉग को करता हूँ एंड, भाई हम लोगों ने आज जो आपको घुमा दिया, जान से तो घुमाया नहीं, दिखा दिया, यथार्थ आरती थी ना वो, यार मेरे भाई यथार्थ आरती थी शायद से, वो आपको मैंने करवा दी, और राम झूला भी आपको घुमा दिया, और बाकी अपना भाई होटल तो बहुत स्केयरी है आपको पता ही है, बाकी सब कुछ दिखा दिया आपको, बाकी हम कल जो करेंगे वो आप कल देखना, कल बहुत बढ़िया एडवेंचर वाला व्लॉग होने वाला है, वो पक्का देखना भाई, वो काफ़ी मज़ेदार होगा, लोग मिलते हैं ऐसे बड़े से व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Goodbye.